अब आगे का प्रश्न जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो। तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, उत्तर घर का हिस्सा बिताया गया समय, शयन कक्ष जहाँ पे हम 8 घंटे बिताते हैं, बैठक 1 घंटा। इसके बाद हमें यहाँ पे बताया हुआ है, देखिए पढ़ाई का कमरा 4 घंटे, इसके बाद है रसोई घर 1/2 घंटा, स्नान घर 1/2 घंटा। इस तरीके से हम समय बिताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक आगे का प्रश्न पूछा है, क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हों। इसका उत्तर किस तरीके से आप लिखोगे, हाँ मेरी माँ सबसे ज़्यादा समय रसोई घर में बिताती है, ठीक है। अब आगे एक प्रश्न पूछा है, क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं या बहुत कम जाते हैं। तो जिस तरीके से आपको यहाँ लिखना है, हाँ मेरे पिताजी पिताजी नहीं जाते, ठीक है, बहुत कम जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे, अब हमसे यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, हमारे घर में हम लोग रहते हैं पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से तो कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। देखिए तो ऐसे कौन से जानवर हैं वो आपके इजाज़त के बगैर रहते हैं। तो देखिए एक तो चूहा और दूसरा छिपकली, ये 2 जानवर हैं जो आपके घर में रहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको बताया है, घर प्यारा सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो यह कितनों का अपना। तो किसने किससे कहा, तो देखिए यहाँ पर तो क्या हुआ, सदा यही तो कहती हो माँ, बोला माँ आप सदा यही कहती हो, घर यह सिर्फ हमारा अपना, घर क्या है सिर्फ हमारा अपना है, लेकिन मैं ये बात कैसे मान लूँ माँ, घर तो यह कितनों का अपना है। देखो फिर आगे, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। तो क्या बोला है, देखिए चूहे क्या कर रहे हैं, पकड़म पकड़ी खेल रहे हैं, और कैसे मच्छर क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, और मकड़ी क्या हुई है, अपनी जाल में पड़ी हुई है, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गच्छत लगाती, अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चीटियाँ दौड़ी जाती। क्या कहा है, छिपकली को देखो, तो छिपकली क्या कर रही है, गच्छत लगाती हुई, और क्या बोला, अरे कतारे बांधे बांधे, ये कतारे बांधे बांधे कहाँ चीटियाँ दौड़ी जाती, ये चीटियाँ दौड़ती हुई कहाँ जा रही है, और क्या बोला, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झटपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे, किसी बात पर झगड़ रहे हैं। अब क्या बोला है, और उधर आंगन में देखो क्या हो रहा है, पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मेरे जैसे, किसी बात पर झगड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ पर बताया है, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। तो क्या बोला कि माँ ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, जो यहाँ पर रहता है सदा सदा के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर क्या बताया गया, जैसे तोता हुआ, चींटियाँ हुई,
मच्छर हुए, मकड़ी हुई, चूहे हुए, छिपकली हुई, तो सबका यह घर बहुत ही प्यारा है। क्या आप जानते हो चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है।